हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी भूमि। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आगरा में रहने वाली भूमि सचदेवा से। भूमि की बात करें तो भूमि एक मेकअप आर्टिस्ट है और वो ब्राइडल मेकअप किया करती थी। आज उसकी एक फ्रेंड की शादी है जहाँ पर भी भूमि मेकअप करने के लिए गई थी। तो वही हम देखते हैं भूमि के घर में उसके पापा अरुण और उनका फ्रेंड ताज दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। ताज अरुण से कहता है कि भूमि अक्सर घर पर लेट आती है, लेकिन अरुण का कहना था कि भूमि का काम ही कुछ ऐसा है कि उसे आते आते देर हो जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है अरुण और भूमि का रिलेशन काफी ज्यादा फ्रेंडली है। एक्चुअली भूमि की माँ की डेथ काफी साल पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद अरुण ने ही उसे संभाला था। अब अरुण की बात करें तो अरुण का जूती बनाने का बिजनेस है। तभी हम देखते हैं भूमि को जो नीरज के साथ बात कर रही थी। नीरज एक डॉक्टर है और उसकी और भूमि की सगाई हो चुकी है। जल्दी उन दोनों की शादी होने वाली है और भूमि अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी। वो नीरज को बताती है कि उसका सपना है कि वो घोड़ी पर शादी में आए। शादी के बाद जब भूमि घर आती है तो उसके पापा ड्रिंक कर रहे थे। ये देख कर भूमि नाराज होती है और अरुण उसे मनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद अरुण भूमि को उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है। एक्चुअली अरुण ने भूमि की शादी के लिए एक खास टाइप की ज्योतिष बनाई थी, जिसमें उसने चांदी की तार से डिजाइन बनाई थी। भूमि को वो ज्योतिष काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही भूमि की शादी होने वाली थी और शादी के बाद भूमि यहाँ से चली जाएगी। अगले दिन भूमि को कहीं पर मेकअप करने जाना था तो जीतू उसे छोड़ने आता है। अब जीतू की बात करें तो जीतू अभी 17 साल का है और वो भूमि के पड़ोस में रहता है। वो भूमि को दीदी कह के बुलाता है और अक्सर कहीं भी दूर जाना हो तो भूमि जीतू को ही साथ लेकर जाती है। भूमि के मोहल्ले में एक विशाल नाम के लड़के की मिठाई की दुकान है। विशाल की बात करें तो विशाल भूमि से प्यार करता है। उसने पहले भी भूमि को प्रपोज किया था, लेकिन भूमि नीरज से प्यार करती है। विशाल अभी भी चाहता है कि वो भूमि से शादी कर ले, लेकिन भूमि उसे हार नहीं कह रही थी। इसकी वजह से जीतू विशाल को काफी ज्यादा चिढ़ा रहा था। विशाल काफी नाराज हो जाता है और वो धौली से मिलने जाता है। धौली विशाल का कजिन है और साथ ही वो एक गैंगस्टर भी है। धौली विशाल से कहता है वो फिर एक बार भूमि से पूछे। विशाल भी वैसा ही करता है। जब भूमि अपनी शादी की तैयारियों में बिजी थी तो विशाल फिर से उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन भूमि उसे थप्पड़ मारती है और बताती है कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए विशाल ये सब करना बंद कर दे। विशाल का इससे ईगो हर्ट हो जाता है और ये सारी बात वो धौली को बता देता है। आज भूमि फिर से एक फंक्शन में गई थी और रिटर्न आते वक्त वो नीरज को कॉल करती है। भूमि नीरज को मिलने के लिए बुला रही थी क्योंकि कल उन दोनों की शादी है। भूमि को लगता है कि कल से वो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, इसलिए वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनके आज उससे मिलना चाहती है, लेकिन नीरज अपने काम में बिजी था इसलिए वो भूमि से मिलने नहीं आता। जिसके बाद भूमि जीतू के साथ घर जाने लगती है। आज पता नहीं क्यों भूमि को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तभी रास्ते में जीतू गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन जैसे जीतू गाड़ी के पास वापस आता है भूमि वहां पर नहीं थी। तभी हम देखते हैं भूमि एक थिएटर में है और वहां पर विशाल भी था। विशाल भूमि से कहता है कि उसने हमेशा भूमि से सच्चा प्यार किया था, लेकिन फिर भी भूमि को नीरज पसंद आया, लेकिन अब वो भूमि को अपना बनाकर रहेगा। वो भूमि का रेप करता है, जिसके बाद वहां पर धौली आता है। अब तक भूमि बेहोश हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो धौली को देख नहीं पाती। धौली भी आकर भूमि का रेप करता है और धौली के बाद उसका एक आदमी गुलाल भूमि का रेप करता है। थोड़ी देर बाद जब भूमि को होश आता है तो वो उस थिएटर में अकेली थी। भूमि किसी तरह खुद को संभालते हुए घर वापस लौट कर आती है। उसके घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन भूमि अरुण को कुछ भी नहीं बताती। वो जाकर नहाती है और रेडी होने के लिए बैठ जाती है। वो अपने पड़ोस वाली आंटी को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन आंटी कहती है कि भूमि को चुप रहना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद बारात आने ही वाली थी। वो भूमि से कहती है अगर ये सबको बता दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, यहाँ तक कि भूमि का रिश्ता भी टूट सकता है। थोड़ी देर बाद नीरज भी बारात लेकर आता है और वो सबसे पहले भूमि से मिलने आता है, लेकिन भूमि नीरज को सब कुछ सच बता देती है। जैसे ही नीरज ये सुनता है वो शादी से चला जाता है। अब तक सभी को पता चल गया था कि भूमि के साथ क्या हुआ है, जिसके बाद अरुण और ताज पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सके, लेकिन पुलिस वाले
अरुण से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अरुण काफी गुस्सा हो जाता है और पुलिस वाले उल्टा अरुण को ही सुनाने लगते हैं। ताज उन्हें शांत करता है और बताता है कि उनके साथ क्या हुआ है, जिसके बाद पुलिस वाले भूमि से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, लेकिन भूमि घर पर नहीं थी। अरुण और सभी लोग भूमि को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन भूमि कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी अरुण को रास्ते में भूमि की जूती दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि भूमि यही कहीं पर होगी। जिसके बाद पुलिस वाले खेतों में हर जगह भूमि को ढूंढ रहे थे, लेकिन भूमि नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं भूमि को धौली के आदमी लेकर आए थे। धौली भूमि को बताता है कि उसका रेप इन तीनों ने मिलकर ही किया था। वो भूमि से कहता है कि अगर वो कंप्लेंट ना करती तो ये तीनों भूमि को कुछ भी नहीं करते, लेकिन भूमि ने कंप्लेंट की है इसलिए अब भूमि को मरना होगा। ये कहकर धौली भूमि को पानी में धक्का दे देता है और गोलियां चलाने लगता है। तो वही अरुण काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने भूमि को खो दिया। तभी हम देखते हैं भूमि जिंदा है और उसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। ये बात अरुण को भी पता चलती है और इससे वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ये सुनकर धौली काफी टेंशन में आ गया था। तो वही भूमि को होश आता है और वो पुलिस को बयान देती है, जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जिसमें भूमि के कैरेक्टर को काफी उछाला जाता है। अपोजिट लॉयर का कहना था कि भूमि अक्सर काम से लेट आती है, साथ ही उसकी नीरज के साथ लव मैरिज होने वाली थी और ये भी चेक करना होगा कि भूमि वर्जिन है या नहीं। वो भूमि से क्वेश्चन करती है कि जब उसका रेप हुआ तो वो कितने टाइम तक हुआ। ये सवाल सुनकर भूमि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अरुण ये देख लेता है और इस सब को यही रोकता है। वो जज से कहता है कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आया था, अपनी बेटी का दोबारा रेप करवाने के लिए नहीं आया था। वो कहता है वो अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकता, इसलिए उसे इंसाफ नहीं चाहिए। जिसके बाद अरुण भूमि को लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन भूमि और अरुण दोनों ही उस हादसे को भुला नहीं पा रहे थे। अरुण चाहता है कि वो सबको मार दे, लेकिन भूमि कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन उनके घर के बाहर कोई लिख देता है कि भूमि की वजह से उनके मोहल्ले की बदनामी हो रही है। भूमि जब ये देखती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे मिटाने लगती है। तभी वहां पर नीरज आता है, जो भूमि की वो मिटाने में मदद करता है। भूमि नीरज से कहती है कि उसने भरोसा करके सब कुछ नीरज को बताया था। भूमि को लगा था कि नीरज हर बात पर उसका साथ देगा, हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन नीरज ने उसका भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए वो नीरज को वहां से जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद भूमि के घर पर जीतू की माँ और बहन आते हैं। उनके साथ धौली की वाइफ और विशाल की माँ भी आई थी। एक्चुअली जीतू की बहन को जीतू के मोबाइल में एक वीडियो मिला था। जब भूमि वो वीडियो देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। एक्चुअली वो वीडियो और किसी का नहीं बल्कि भूमि के रेप का था। भूमि को पता चलता है सबसे पहले उसका रेप विशाल ने किया था, जिसके बाद धौली और उसके बाद गुलाल ने, लेकिन गुलाल के बाद जीतू ने भी भूमि का रेप किया था। ये देखकर भूमि काफी शॉक थी, क्योंकि जीतू हमेशा उसे दीदी बोलता था। भूमि के लिए जीतू उसके छोटे भाई जैसा था। अब भूमि को समझ आता है कि उस दिन भूमि को नींद क्यों आ रही थी। एक्चुअली उस दिन जीतू ने जबरदस्ती भूमि को एक लड्डू खिलाया था। उस लड्डू में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से भूमि को नींद आ रही थी। वीडियो देखकर भूमि अरुण से कहती है उन चारों को मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिंदा होना यानी कि बाकी लड़कियों को भी खतरा है। अरुण भी यही चाहता था, जिसके बाद वो सबसे पहले जीतू को पकड़ लेता है। वो जीतू को एक पुरानी फैक्ट्री में रखता है और उसे कहता है कि जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक अरुण उसे कुछ भी नहीं करेगा। जीतू अभी 17 साल का है और वो कुछ ही दिनों में 18 साल का होने वाला था। तब तक अरुण सिर्फ जीतू को टॉर्चर कर रहा था, जिसके बाद अरुण विशाल को भी डराना स्टार्ट कर देता है। विशाल काफी डर गया था और वो जाकर सब बातें धौली को बताता है, जिसके बाद धौली आकर अरुण को धमकाने की कोशिश करता है और अरुण उसे मारता है। एक्चुअली धौली ने जानबूझकर अरुण को उकसाया था ताकि अरुण ऐसा कुछ करे। तभी वहां पर पुलिस आती है और अरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर ताज आता है और अरुण की बेल करवाता है, लेकिन इस सब से विशाल काफी डर गया था। उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन अरुण उसे मार ही देगा, इसलिए वो हमेशा धौली के साथ छुप रहा था। जिसके बाद धौली गुलाल को भूमि के घर भेजता है। गुलाल जाकर भूमि को काफी ज्यादा धमकाता है, लेकिन भूमि उससे नहीं डरती। तभी वहां पर ताज आता है और गुलाल को पीटने लगता है, लेकिन तभी गुलाल
ताज को मार देता है। ताज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन वहीं पर उसकी मौत होती है। ये सब देखकर अरुण और ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुलाल के पास जाता है और उसके चेहरे पर टैटू बनवाता है कि वो एक रेपिस्ट है। ये देखकर धौली काफी गुस्सा होता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि गांव से आने के बाद फिर वो अरुण को सबक सिखाएगा। धौली अपने गांव जा रहा था क्योंकि वहां पर किसी का श्राद्ध था। तो वही जीतू भी 18 साल का होने वाला था तो अरुण उसका मेकअप करता है, उसे लड़कियों के कपड़े पहनाता है और उसे एक एरिया में छोड़ देता है। वहां पर कुछ लड़के जीतू के साथ जबरदस्ती करते हैं और जीतू को एहसास हो जाता है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है तो कैसा फील होता है। अब जीतू 18 साल का हो गया था तो अरुण उसे मार देता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वालों को जीतू की लाश वहीं पर मिलती है जहां पर भूमि का रेप हुआ था। जीतू के पास एक लेटर भी था जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने भूमि का रेप किया था। जीतू की बहन भी कंफर्म कर देती है कि ये हैंडराइटिंग जीतू के ही थे। लेकिन इंस्पेक्टर को अरुण पर डाउट था। वो अगले दिन अरुण से मिलता है और अरुण को उसकी चाबी दे देता है। एक्चुअली अरुण ये चाबी थिएटर में ही भूल कर आया था। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि उसे सेफली खेलना चाहिए और सबूत नहीं छोड़ने चाहिए। अरुण समझ जाता है इंस्पेक्टर सब कुछ जानता है, जिसके बाद अरुण गुलाल को भी मार देता है। जब विशाल को पता चलता है अरुण ने गुलाल को मारा तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो एक बस से लखनऊ जा रहा था लेकिन उसी बस में अरुण आ जाता है। अरुण को देखकर सारी पब्लिक वहां से भाग जाती है और उनके साथ विशाल भी भाग रहा था, लेकिन अरुण उसे पकड़कर वहीं पर मार देता है। तभी वहां पर धौली आता है और धौली के साथ उसके काफी सारे गुंडे भी थे जो अरुण को काफी ज्यादा पीटते हैं और धौली अरुण से कहता है कि वो उसके सामने आप भूमि का फिर से रेप करेगा। ये सुनकर अरुण उठता है और धौली के सारे आदमियों को मार देता है, जिसके बाद वो धौली के पीछे जाने लगता है तो वही धौली भी अरुण से बचकर भाग रहा था। उन दोनों में काफी फाइट होती है जिसके बाद अरुण धौली को पानी में धक्का दे देता है। धौली ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तभी वहां पर भूमि आती है। भूमि सभी औरतों को बताती है कि धौली ने आज तक कितनी लड़कियों का रेप किया है। ये सुनते ही सारी औरतें अपना दुपट्टा उतार कर उस लेक में फेंक देती है, जिसकी वजह से धौली ऊपर नहीं आता और उसकी पानी में डूबकर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। तो ये थी भूमि मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।